उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, हाँ किया था कि आप जो है इसको विरोध नहीं करें, आप हम लोग इसको चाहते हैं, क्योंकि उनका तर्क है, उनका कारण है कि जो जो सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं जो 80% 90% जो मार्क्स हैं और जो बिहार बोर्ड से पास किए दोनों का परसेंटेज में काफी अंतर होगा। चाहे कि सीबीएसई वाला का मार्क्स ज्यादा हो, परसेंटेज ज्यादा है, तो सब जगह हो नंबर 1 पर से लेकर के नंबर 10 तक हो कब्जा जमाए हुए, तो उनका कहना है कि अगर एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट के जो परसेंटेज होता है उसको नहीं जोड़ा जाएगा और केवल सीटेट और रिजल्ट का जो मार्क्स है उसके आधार पर मेगा सूची बनेगा, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो उत्तीर्ण हुए उनका जो है वो मेगा अंक अच्छा रहेगा और सीबीएसई बोर्ड जिनका परसेंटेज ऐसे भी अच्छा होगा वो वहाँ पर डाउन हो जाएंगे। उनका सोच वो इस तरह से हमको तर्क बता रहे, लेकिन मैंने उनको इजाजत नहीं दी। मैंने कहा था कि पिछौती इस तरह का काम करना बिल्कुल गलत है, ये बहाली फंसाने वाली हो जाएगी, लेकिन कुछ लगे हुए हैं सचिवालय और वो लगे हुए हैं, तो इसका एक रिहर्सल जो है पेपर में निकलवा करके उन्होंने ये दिया कि हम लोग चाहते हैं कि जो मार्क्स जो होना चाहिए वो सीटेट बीटेट के आधार पर ही उसका मेगा अंक बने। अब बताइए सारे बिहार के चाहे पंचायत स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो या नगर शिक्षक स्तर का हो, सारे जगह पर मेगा अंक का प्रकाशन हो चुका है। हमको लगता है कि 1% या 2% अभी नहीं हुआ, लगभग हो चुका है। अब फिर से मेगा अंक बनेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि फिर से मेगा अंक बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि बहाली को खींच करके फिर 6 महीना ले जाना चाहते हैं। तो ये नई नई चीजें जो लाने वाले लोग कौन है, ये कौन है? ये वही लोग हैं जो इस बहाली को बिल्कुल बाधित करना चाहते हैं, बहाली को रद्द करना चाहते हैं और उन्हीं लोगों के कारण आज ये बहाली की स्थिति हुआ है। आज कोई भी केस नहीं रहता, आज कब की बहाली हो गई है। इसलिए हम दूसरे को दोषी मानने से पहले हम अपने आप को दोषी मानते हैं और हमारे बीच के वो भाई लोग तो इस तरह के काम कर रहे हैं। हम लोग इधर काम को किसी तरह से संघर्ष करके भूखे प्यासे रह करके लाठी डंडे खा करके हम लोग सीधे पटरी पर लाते हैं, यही लोग जाकर के उसको उल्टा करने का काम करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये बहाली को हर तरह से बाधित करना चाहते हैं। अब एक नई सबूफा लग रहा है कि अब ये सर्टिफिकेट का दाम होना चाहिए, अब सारा मेगा सूची बन गया, क्या फिर से मेगा सूची बनेगा? और इस तरह से हमारे प्रधान सचिव महोदय को भी दिग्भ्रमित करता है, बीच में ऑनलाइन ऑनलाइन करके उनको दिमाग को डाइवर्ट कर दिया, अब फिर इधर शुरू कर दिया नया चीज और उसी का रिहर्सल जो पेपर में निकला है कि ये नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके लिए कमिटी बनाएगा, कमिटी 1 महीना में रिपोर्ट देगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसका क्या मतलब है? आप बहाली को आप खींचना चाहते हैं, बहाली को खींच करके कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपका 3 दिन का काम है और फिर उसी चीज को फिर आप रहे हैं। ये जो क्या करना चाहता है लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोग तो हर काम को सीधा करके लाते हैं, ये लोग उल्टा पुल्टा करके डाइवर्ट करके उनको और फिर वहाँ पेपर में निकलवा दिया कि जो एक कमेटी गठित होगा रिपोर्ट देगा तो काउंसलिंग का जो तरीका बदल जाएगा। काउंसलिंग का तरीका बदलने का मतलब यही है कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होता है, जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीएड का मार्क्स को नहीं जोड़े बल्कि हम केवल बीटेक सीटेट के मार्क्स के आधार पर मेगा सूची बने, ये संभव है? ये अभी काम पूरा हो चुका, फिर बीच में इस तरह का अटकाने वाला काम आप लोग ला रहे हैं और कहते हैं कि आप लोग विरोध नहीं कीजिए। इस तरह की चीजें हो रही, हम लोग तो परेशान हो चुके हैं लोगों से। हम लोग कोई काम को करना चाहते हैं, बिहार के सभी भाई बहुत से हमारे पास कॉल आते हैं, मैसेज आ रहा है कि मार्क मत क्या करें, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं है। ये कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने स्वार्थ में, और मुझे तो कुछ रिपोर्ट मिला है कि एक बहुत बड़े विद्वान जो है वो राजस्थान से आए हैं पटना में, अब जब आते हैं तो कुछ ना कुछ करके जाते हैं। मैं जान रहा हूं तो कुछ बिगाड़ने के लिए वो आते हैं, आज तक जीवन में तो कोई बनाने का काम उन्होंने किया नहीं, आज तक कोई बनाने का काम नहीं किया। अगर बनाने का काम किया है तो लाइव आए हमारे साथ, हमसे बात करो और वहां से चले आए बिगाड़ने के। कुछ हमारे बहुत ही सहयोगी भाई लोग हैं जो उनको साथ देते हैं इस तरह के काम करने के लिए।
मुझे पता चला है कि वो पटना में उनका आगमन हो चुका है और वो फिर जाके सचिवालय में कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे। ऐसे ऐसे महानुभाव लोग हैं, उनको राष्ट्रपति पदक से उनको पुरस्कृत करना चाहिए। जो बने हुए काम को बिगाड़ दो, हमारे भाइयों 94,000 भाइयों के जीवन के साथ खिलवाड़ करो, इसी में से कोई लड़का आत्महत्या करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवार कौन होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, इसका जवाब है किसी के पास? बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कॉल कर रहे हैं, मैं डरता हूं इस बात से, कोई भाई बंधु गलत काम कर लेगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। और ये लोग समझ नहीं पा रहे, बार बार उसी चीज को दोहराते हैं। अरे भाई, कम से कम इस बहाली को तो होने दो, बाद में तुम लोग को जो करना है करो, हम उस पर कहीं हस्तक्षेप करने नहीं जाएंगे। लेकिन काम को हम लोग किसी तरह मोड़ के ला करके, सुधार करके ला कर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये लोग प्लेटफॉर्म से उतारने का काम करते हैं। सर 49-75 ब्लाइंड फेडरेशन केस है, इस केस में सुनवाई होगी या काउंटर एफिडेविट जमा किया जाएगा? देखिए, इसमें काउंटर एफिडेविट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आया था, इसमें नहीं जो इंटरवेनर बन सकता है। लेकिन उसमें हम लोग कानूनी तौर पर जो सीनियर वकील हैं, मैं उन लोगों से भी हम लोग राय ले रहे हैं, उसमें हम लोगों के स्तर से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ों पर हमारे जो इस मैटर को देखने वाले लोग हैं जो काफ़ी सजग हैं, काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो भी होगा वो विद्यार्थियों के हित में ही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अब कानूनी मैटर आ गया है तो उसको कानूनी तौर पर भी हमको सॉल्व करना होगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी काम होगा अब हम लोग वकील से राय लेकर के काम करेंगे कि हम लोगों के स्तर से उसमें कितना हम लोग मदद कर सकते हैं, हमारा जो पार्टिसिपेट कैसे होगा, हम कैसे उसमें इन्वॉल्व होंगे और कैसे हम जल्द से जल्द वहाँ से चिट्ठी को भिजवाने में हम लोग कामयाब होंगे। इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे जो भी हमारे भाई बंधु हैं, रोशन झा जी हैं, अभिषेक चौधरी जी हैं, रीता जी, मुन्नी जी, राहुल झा जी, और भी बहुत से हमारे भाई हैं, काफ़ी जो बहन हैं, अर्चना राज जी हैं, और भी बहुत से हमारे जो भाई हैं जो रात में लगे हुए चिंतित हैं, अभिनव जी हैं, और भी बहुत से हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें भी क्या बोलते, हम लोगों के हाथ में है नहीं, हम लोगों के हाथ में जो चीज़ था मैंने हम उसको किया, अब आगे कानूनी तौर पर कुछ मैटर आ गया है तो उसको हम लोग कानूनी तौर पर भी विचार विमर्श करके जो आप लोगों के हित में होगा वो काम हम लोग करेंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अंतिम समय तक लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, और हम लोग काउंसलिंग का डेट जो है वो जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ माननीय प्रदेश।